नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टू डिजिट नंबर्स मल्टीप्लिकेशन बाय वैदिक मैथ्स। तो इसको दो पार्ट में बनाया हुआ है। पार्ट वन, मल्टीप्लाई बाय 11। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है 45 इंटू 11। तो मैं 4 को लिखूंगा फर्स्ट लेटर के फॉर्म में और बीच में एक नंबर की डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं 5 को भी लिख लूँगा इस तरह से 5 एंड 4। अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, 4 प्लस 5 जो कि हमें मिलता है 9, और 9 को इन दोनों नंबर्स के बिटवीन इंसर्ट कर दूंगा। वेरी सिंपल, जब मैं 9 को इन दोनों के बिटवीन इंसर्ट कर देता हूं तो मुझे मिलता है 495, और यही हमारा आंसर है, है ना, चुटकियों में करने जैसा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 86 इंटू 11 को हमें सोल्व करना है, तो मैं 8 लिखूंगा और देन आप जानते हो 6 लिखेंगे। अब चूंकि मैं 8 प्लस 6 करता हूं तो मुझे मिलते हैं 14। अब जब 14 टू डिजिट नंबर हो गए तो हमें कैरी करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले 4 तो इन दोनों के बिटवीन लिख ही देता हूँ, तो इस 4 को बिटवीन में लिखते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो 1 है कैरी की फॉर्म में है, तो मैं इसे अगले वाले नंबर में ऐड कर दूंगा। तो 8 प्लस 1 9 होते हैं, और 8 की जगह मैं 9 लिख दूंगा, और इस तरह से हमें 946 मिलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। इस तरह से हम बहुत आसानी से इस तरह 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इन्हें कर सकते हैं ओनली 2 सेकंड में। चलिए हम और मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। एंडिंग विथ 5, यानी कि जिनका लास्ट डिजिट 5 हो उनका मल्टीप्लाई हम करना इस वाले पार्ट में सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल है 15 इंटू 35, तो पहली स्टेप लिखेंगे 25। दूसरी स्टेप में क्या करना है, 1 प्लस 3, यानी कि दोनों के सेकंड डिजिट को ऐड करना है और हमें मिलेगा 4। अब मुझे 4 को हमेशा 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इनका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो हमें मिलता है 4 इंटू 5 20। मैं 20 को एक डिजिट छोड़कर लिख देता हूँ ठीक इस तरह से। अब देखिए ये मिल गया। एक तीसरी स्टेप और रह जाती है। तीसरी स्टेप में मुझे लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 1 होता है 3, और इस 3 को भी मैं ठीक ऐसे ही एक डिजिट छोड़कर लिख दूंगा। तो अगर मैं 3 को यहाँ लिख देता हूँ तो अब हमें एक का काम और करना है, यानी कि इन सबको ऐड कर देना है। तो मैं ऐड करता हूँ सिंपल 5 2 0 2 2 प्लस 3 5, और इस तरह से हमें 525 मिलता है, जो कि हमारा आंसर है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसे ओरल भी कर सकते हैं। आइए, ये आंसर मिलने के बाद एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे अब दूसरे वाले क्वेश्चंस में 25 इंटू 65 करना है, तो मैं 25 तो लिख ही दूंगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपको याद होनी चाहिए, मैं लास्ट डिजिट को ऐड करूंगा। 2 प्लस 6 होता है 8, और 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलते हैं 8 5 जा 40। तो मैं 40 यहाँ लिख देता हूं। अब फिर से एक डिजिट हमें छोड़ देना है और अगला काम करना है। अगला स्टेप नंबर 3 याद है ना, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि होता है 12। तो मैं 12 भी यहाँ लिख दूंगा, और हमारा लास्ट काम है इन सबको ऐड करना। 5 का 5 लिखूंगा, और 5 लिखने के बाद 2 और 0 को ऐड करेंगे तो होता है 2 प्लस 0 2। तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। 4 और 2 को ऐड करते हैं तो 4 प्लस 2 मिलता है हमें 6। तो मैं यहाँ पर भी 6 लिख देता हूँ, और 1 इट मीन्स 1, तो 1 लिख देता हूँ। और जब मैं 1 लिख देता हूँ तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है 1625। समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो
अच्छा लगा है तो आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं और इनके आंसर कमेंट में कर सकते हैं। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।